अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। गाइस, आज की वीडियो में हम हायर पाकिस्तान का मैनेजमेंट ट्रेनी MTE इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। 2022 का ये लेटेस्ट पेपर है। तो फ्रेंड, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने वर्बल और IQ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो पार्ट नंबर 2 में हम क्वान्टिटेटिव प्लस जनरल नॉलेज के MCQs हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इसी वीडियो के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, इसमें सेक्शन 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया था, आ जाए क्वांटिटेटिव सेक्शन है पार्ट नंबर 2 इस वीडियो का, सेक्शन नंबर 3। तो इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एक्स प्लस 3 बाई 2 प्लस 3x विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 23 बाई 5, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमने फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन गाइस, ये डिटेल सोल्यूशन आपके सामने ये गिवन है, ये इसका डिटेल सोल्यूशन है। इसके अलावा भी मैं आपको इसका सोल्यूशन PDF पर फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे, मैंने रिटर्न कर लिया इस क्वेश्चन को यहाँ पर, और इसका सोल्यूशन ये आपके सामने है। और इसमें गाइस अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये इक्वेशन, ये बेसिक गिवन इक्वेशन थी, यहाँ पर एक्स जो है बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स विल बी कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, 3/2 प्लस 3x विल बी इक्वल टू एक्स 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 23/5, और 3/2 प्लस 3x, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 15 प्लस 23/5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस 15 माइनस 23/5। तो इस तरफ ले जाएंगे इसको, 5x माइनस 3x इसको इधर ले जाएंगे, 5x 3 माइनस 3x उधर चला जाएगा, माइनस 3x विल बी इक्वल टू 3/2 15 माइनस 23/5। तो टेकिंग द LCM है HRS अराउंड द डिनोमिनेटर 9, तो हम ये LCM लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की क्वेश्चन बन जाएगी। इसको मजीद आप फर्दर सॉल्व कर लें तो 2x हमारे पास 119/10 टेकिंग टू राइट हैंड साइड इट विल बी इन डिनोमिनेटर। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसमें 119/20, ये बेसिकली ये 5.95 पे बोला था, 5.95 इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर में 5.95 है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, तो ये आप मार्क किया गया इनकोरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, 7x प्लस 11y विल बी इक्वल टू 1, 8x प्लस 13y विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इनको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम इसका यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी आपके सामने है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड। दो इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 1, 7x प्लस 11y विल बी इक्वल टू 1 एंड 8x प्लस 13y विल बी इक्वल टू, ये दो इक्वेशन हैं। तो ऑप्शन ये आपके सामने हैं, ये एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये आपके सामने दोनों गिवन इक्वेशन ये हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद द 8, इक्वेशन 1 को जो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 56x प्लस 88y, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 56x प्लस 91y विल बी इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन रिस्पेक्टिव यहाँ पर ये बन चुकी हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वी गेट -3y विल बी इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू द 2। माइनस साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन में, पुट करेंगे इनमें से किसी एक में, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो -3 और y इज इक्वल टू 2, x -3 और y इज इक्वल टू 2 के इक्वल इसका आंसर बनता है। तो करेक्ट चॉइस इसकी जो बनती है आंसर नंबर, एक्स इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू द 2, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। यहाँ जो मार्क किया गया वो इनकोरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट चॉइस। अब गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू को हमने इसमें फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन ये आपके सामने गिवन है सामने। तो गाइस, इसमें हम 2x हम दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 2x
प्लस फोर टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थर्टीन इक्वल टू सेवन करेंगे और टू एक्स इस तरफ भी ऐड करेंगे, इस तरफ जो टू एक्स ऐड होगा वो ये टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर सिक्स एक्स हो जाएगा, पे यहाँ पर जो आएगा सिक्स एक्स जो हो जाएगा वो प्लस थर्टीन भी इक्वल टू सेवन, ये हमारे पास कुछ ना चाहिए, ये टू एक्स यहाँ से इस तरफ जो ऐड होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिक्स एक्स प्लस थर्टीन विल बी इक्वल टू सेवन, सबट्रैक्ट थर्टीन फ्रॉम ईच साइड ऑफ सिक्स एक्स, तो उसको सबट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से थर्टीन को, सबट्रैक्ट थर्टीन फ्रॉम ईच साइड, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा सिक्स एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पर थर्ड प्लस थर्टीन और माइनस थर्टीन जो है प्लस थर्टीन और सबट्रैक्ट जब करेंगे माइनस थर्टीन विल बी इक्वल टू कैंसिल, सेवन माइनस थर्टीन यहाँ से करेंगे तो हमारे पास सिक्स एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स एक्स विल बी इक्वल टू द माइनस सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू द माइनस वन, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस वन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट चॉइस है, यहाँ पे जो मार्क किया गया है वो इनकरेक्ट मार्क किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, थ्री चेयर्स टू टेबल्स, उनकी जो कॉस्ट है हमारे पास वो 700 कॉस्ट है और फाइव चेयर्स एंड थ्री टेबल्स जो कॉस्ट है वो 1100 है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टू चेयर्स एंड टू टेबल्स, दो चेयर और दो टेबल्स की कॉस्ट क्या होगी। इसका सलूशन फ्रेंड आपको बता देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन का सलूशन ये आपके सामने आ गया है। तो गाइस वी टेक द कॉस्ट ऑफ चेयर एज आर एस एक्स, द टेबल की जो हम जो चेयर की कॉस्ट हमने एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया आर एस एक्स, और टेबल की जो है हमने आर एस वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, चेयर आर एक्स चेयर को हमने जो उसकी कास्ट एक्स से रिप्रेजेंट किया है और टेबल की कास्ट को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। देन इन द फर्स्ट केस द टोटल कास्ट जो हमारे पास जो इक्वेशन के मुताबिक जो बनती है, फर्स्ट केस में अगर बात की जाए तो ये थ्री एक्स प्लस टू वाई, इन सेकेंड कंडीशन द टोटल कास्ट जो है वो फाइव एक्स प्लस थ्री वाई बन जाएगी, ये दो इक्वेशन बन गई हैं यहाँ पर। द कास्ट ऑफ टू चेयर्स प्लस टू टेबल्स की अगर बात की जाए तो टू एक्स प्लस टू वाई, सो द गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो इक्वेशन को हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू वाई विल बी इक्वल सेवन हंड्रेड हमें गिवन है, जो फाइव एक्स प्लस थ्री वाई विल बी इक्वल टू ये 1100 हमारे पास गिवन है। तो इसको 15 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई हैं। तो मजीद क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर इसमें हमारा जो बन जाएगा वो 1600 जो आ जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो 1600 इसका 600 बेसिकली इसका जो आंसर बनेगा इक्वल टू ये जो आंसर आ जाएगा इसका टू चेयर एंड टू टेबल की जो कास्ट आ जाएगी, द कास्ट ऑफ सो द कास्ट ऑफ टू चेयर एंड टू टेबल विल बी टू इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये 600 इसका आंसर आता है। तो गाइस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 600, जहाँ पे जो मार्क किया गया है वो करेक्ट मार्क किया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का क्वांटिटी में, इफ एक्स की वैल्यू अगर 3 के इक्वल है देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन प्लस नाइन विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के विल बी, एक्स को यहाँ पर पुट कर दें के की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन आपको फ्रेंड बता देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ये आपके सामने है। तो ये हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, एक्स को यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन के मुताबिक जो हमारा आंसर बन जाएगा द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू माइनस 11, माइनस 11 के की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस 11, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है, वहाँ पर सही मार्क किया गया है। तो गैस नेक्स्ट इस पार्ट नंबर टू में हमारा जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर फोर जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होली लैंड इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर टू है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो कायद आजम जो थे वो हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फैसलाबाद, फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, फैसलाबाद इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर फोर, आई सी टी स्टैंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। और लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पंजाबी पोइट, तो बाबा फरीदुद्दीन गजबख्श वाज नाउन एज द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने
जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से बैठ के एमसीक्यूज उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।